वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मैं बाहर आई हुई हूँ क्योंकि जैसे कि आप इस टाइटल में देख सकते हैं, कल है ना मेरा एक टीवी शो होने वाला है, वो भी थेगू में, जो कि है शुआ की बर्थ प्लेस। तो वहाँ पर एक मैं आपको बाद में अच्छे से आराम से बताऊँगी। अभी है ना मुझे मेरे जो नेल है ना वो वाले चेंज करवाने, तो टैक्सी लेते हैं और नेल शॉप चलते हैं और कुछ यू नो सिंपल सा जो टीवी पर अच्छा लगे ना वो वाला करवाते हैं। बाय द वे गाइस, मोटरसाइकिल। ये रहे मेरे नेल जो कि हैं डार्क ब्लू, ब्लैक लग रहा है लेकिन डार्क ब्लू है। ये रही मेरी टैक्सी, अब ये खुलेगा। अभी यहाँ पर बहुत डार्क हो गया, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और मैं कल के लिए मैं कितनी एक्साइटेड आपको बता भी नहीं सकती। ये मेरा सेकंड टीवी शो होने वाला है और मैं आपको कल मेरे साथ लेके चलूँगी और आपको सब शूटिंग वगैरह कैसे कैसे सब कुछ होता है ना वो आपको अच्छे से दिखाऊँगी और बताऊँगी। गाइस देखो ऑलमोस्ट 500 रुपये हो गए हैं टैक्सी के। गाइज मुझे बहुत भूख लग रही है लेकिन सबसे पहले हमें नेल करवाने, उसके बाद में मुझे स्क्रिप्ट प्रिंट करनी क्योंकि मुझे कुछ डायलॉग्स मेमोराइज करने। देखो कितना ट्रैफिक है इस समय, एक और मोटरसाइकिल दिख रही मुझे। गाइज ये रहा वो नेल शॉप। इस वाले शॉप में मैं पिछले 5 साल से आ रही हूँ और ये लेडी बहुत ही स्वीट है और मैंने सिर्फ आज ही उनको बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैंने उनको बोला कि मुझे कोई सस्ती वाली नेल आर्ट दिखा दो। सबसे सस्ती 2,800 रुपए की थी। गाइज मैं ये वाला करने वाली हूँ। जब मैं इनसे 4-5 साल पहले मिली थी ना तो मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके इनसे बात करती थी कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, इतनी लंबी साइज चाहिए, और आज हम फुल कोरियन में बात कर रहे थे। तो अभी उन्होंने सैंपल दिखाया कि कैसे लगेगा लेकिन आई एम नॉट श्योर। आपको क्या लग रहा है मुझे करना चाहिए या नहीं? देखो कितना सुंदर लग रहा है। नहीं गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मुझे बहुत भूख लगी है तो यहाँ पर वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर चलते हैं। मैंने कोरियन वेजिटेरियन डिश ऑर्डर करी है लेकिन एक्चुअली उसके अंदर अंडा जाएगा तो वेजिटेरियन नहीं है। अगर आपको वेजिटेरियन खाना है तो आप सिर्फ अंडा निकाल के खा सकते हो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पर बो रहा। गाइस देखो कितनी सारी वेजिटेबल साइड डिशेस, बीन स्प्राउट, किमची, मूंगफली का अचार, जुकीनी, सीविड सूप, ये है दूसरा अचार और आने में छुआया। उन्होंने बोला कि मैं बहुत कमजोर लग रही हूँ तो उसकी वजह से उन्होंने 2 अंडे डाले। नहीं यार कितनी स्वीट है। सबसे पहले सीविड सूप ट्राई करते हैं। ऐसे खट्टी मीठी सी है। ये है कैबेज जो कि होता है किमची, घर जाने से पहले मुझे मेरी स्क्रिप्ट प्रिंट करनी है और आई डोंट नो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आएगी और फिर मैं मेरे डायलॉग्स पढ़ूंगी, उनको मेमोराइज करूंगी। I'm so 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 happy. मैं जितनी खुश हूँ ना मैं आपको बता भी नहीं पा रही। ये रहा प्रिंट शॉप जो कि 24 घंटे खुला होता है। अभी जल्दी से प्रिंट करते हैं। गाइज ये रही मेरी स्क्रिप्ट, देखो कितनी लंबी है, 19 पेजेस है। स्टेपलर के ये लगा रखा है ताकि कोई चोरी ना करके लेके जाए, इससे पहले कि सब कुछ लीक हो जाए, लॉग आउट कर लेगा। 30 तारीख को शूटिंग है 2:30 पर और ये रहा मेरा नाम पूनम नारुका। ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा है। स्क्रिप्ट को हाथ में लेकर खुशी अलग होती है। अभी मुझे घर पर जाना और घर के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है और मैं आपको मेरा आउटफिट भी दिखाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि अगर हो सके तो आप इंडियन कपड़े पहन कर आ जाना। पार्सल आ गया मम्मा। गाइज अभी रात के 10 बज चुके हैं तो जल्दी से मैं मेरा फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में मस्त वाली स्किन केयर करेंगे ताकि कल हमारा थोबड़ा अच्छा चिकना चमकीला रहे। ये है क्लींसिंग ऑयल। Been a minute since I found someone makes me wanna know a thing about love but oh my god I'm seeing stars। चलो ये वाला मास्क लगाते हैं। यूजुअली मैं ऐसे वाले मास्क नहीं लगाती लेकिन ये वाले लगाने से ना आपका जो स्किन है ना वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो अगर कल
मेरी शूट है ना, तो वहां पर मेरा मेकअप वगैरह लगाएंगे तो मेकअप और भी सुंदर लगेगा। यार मैं भूतनी लग रही हूँ इसके साथ। अभी 20 मिनट हो चुकी है, इसको निकालते हैं। मैंने ये नोटिस करा है कि इस मशीन यूज करने के बाद में मेरा स्किन है ना वो और भी सॉफ्ट हो गया, इलास्टिक जैसा फील होता है। स्किन केयर भी हो गया है, मैं मोमो के साथ थोड़ा बाहर घूमूंगी और उसके बाद में मैं सोऊंगी और मैं आपको डायरेक्टली कल सुबह मिलूंगी। 8 hours later ये रही मेरी बस, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। मैं यम्मी यम्मी खाना खाते खाते देख गई और उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेकअप कुछ नहीं करना, बालों को भी कुछ नहीं करना, क्योंकि सब कुछ सेट पर होगा, तो इसीलिए मैं ऐसे अजीब गरीब दिख रही हूँ। गाइस अभी हम शूटिंग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो कि KBS का ऑफिस, अभी आपको दिखाती हूं। वो रहा KBS, कौन बनेगा सरस्वती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहां से जाना है। मुझे गार्ड ने रोक दिया था कि आप अंदर क्यों जा रहे हो, तो मैंने उनको शो का नाम बताया और बोला अरे अच्छा आप उसके लिए आए हो, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है अंदर जा सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारा यहाँ पर मेकअप होगा और मैं ये वाली ड्रेस लेकर आई थी, मैं बहुत सारी ड्रेस लेकर आई थी लेकिन उन्होंने बोला कि ये येलो वाली आप पहनना, ये अच्छी लगेगी, तो अभी हम ये येलो वाली ड्रेस यहाँ पर पहनेंगे। कपड़े तो मैंने पहन लिए और अभी हम हमारे थोबड़े का मेकअप करते हैं और जो बाल है ना वो भी सेटिंग करवाते हैं। Piacere. Ah, davvero? Wow. Italiano è perfetto. Tu uscirai in questo? Me. Oh, matching. Ah, creo. Wow. अभी हम यहाँ पर हमारा जो मेकअप है ना और जो बाल है वो करेंगे। गाइस प्रॉब्लम हो गई, मेकअप आर्टिस्ट को पता नहीं था कि उसको मेरा मेकअप करना है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ गाइस, एक तो मैं नेशनल टीवी पर जा रही हूँ काफ़ी फेमस शो पर, जहाँ पर वो मेरे बारे में बात करेंगे और जो मेरे यूट्यूब के जो स्पाइसी फूड चैलेंज के कुछ क्लिप्स है ना वो भी नेशनल टीवी पर दिखाएंगे, तो मैं इतना खुश हो रही थी इसको लेकर। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेकअप आर्टिस्ट को पता भी नहीं था कि उसको मेरा मेकअप करना है। मैंने ऑलरेडी एडवांस में राइटर को बोल दिया था मुझे कौन सा मेकअप चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट को बताना ही भूल गई, तो ऑफ कोर्स उनके पास ना तो प्रॉपर मेकअप था ना तो प्रॉपर हेयर प्रोडक्ट थे, लेकिन वो बहुत स्वीट थी, उन्होंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मेकअप ही प्रॉपर नहीं है तो लुक भी प्रॉपर नहीं आएगा ना। तो गाइस ये रहा मेरा आज का मेकअप और हेयर और अभी ये वाले इयररिंग्स पहनते हैं। अभी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने सोचा कि स्ट्रगल्स खत्म हो गए होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस चेंज कर दिए और मुझे बताया भी नहीं। यार ये दुख काहे को खत्म नहीं होता। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद में फाइनली माइक लगाया मुझे और हमारा टाइम हो गया था शूट करने का। मुझे मेरी पहली लाइन याद नहीं हो रही क्योंकि कुछ क्वेश्चंस चेंज हो गए थे, तो मैं उनको लास्ट मिनट प्रैक्टिस कर रही थी। और देखो हमारा सेट कितना सुंदर लग रहा है, तो हमें बोला गया कि हमें ऐसे लाइन में वेट करना है और जैसे हमारा नाम बुलाएंगे तो एक एक करके अंदर जाना है। तो हमें यहाँ से एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद में जी यहाँ पर बैठना है और फिर यहाँ पर हमारा कन्वर्सेशन चलेगा। रियल शूटिंग करने से पहले हमें सिमुलेशन करना होता है कि कैसे बैठना है, क्या बोलना है, कौन से कैमरा को देखना, तो अभी हम वो वाला सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा कैमरा पर। और फाइनली ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद में हमारी शूटिंग कम्प्लीट हो गई थी और अभी हम यहाँ पर जो ग्रुप फोटो होता है ना वो वाला ले रहे हैं। So guys, ये थे हमारे साथ, इन्होंने हमबॉक पहन रखा, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमने साथ में शूट कराया।
인도 꼭 가보는 게 제 인생 소원이에요. 같이 가요. 그리고 사리를 너무 입어보고 싶어요. 오케이, 제가 사리 있어요. 진짜요? 저는 한복이 너무 많아서 오케이, 바뀌어서 바꿔서 언제 오케이. 입어볼 수 있어요? 매 한복 패는 요리에 미리 사리 패는 게 아, 너무 좋아요. 좋아요. 오케이. 오케이, done. So guys, मैंने वापस मेरे कपड़े चेंज कर लिए और सबको बाय बोल देता मैं अन्यासेयो मैं अन्यासेयो सही बोल मानी पता से यो मैं नमस्ते बाय वापस घर पर चलते हैं घर जाने से पहले मेरे सेकंड मैनेजर ने मुझे बोला कि पूनम तू केवीएस के डोर के सामने खड़ी हो जा मैं तेरी मस्त मस्त वाली फोटो खींचती हूँ तो गाइस बहुत ही स्ट्रगल के बाद में हमारा शूट हो गया है फर्स्ट एपिसोड का वो एपिसोड आएगा ना तो मैं आपको वो लिंक वगैरह इंस्टाग्राम पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर वो मैं आपको लगा दूंगी तो आप देख सकोगे बाय बाय थैंक यू गाइस मैंने घर पे जाने के लिए बस ले ली है और मैं बहुत थक चुकी हूँ मेरा जी जो पूरा हाथ ना वो बहुत दुख रहा है मुझे इतनी सारी कुरियन में बात करनी थी जो पहला वाला शो मैंने करा था ना उसमें मुझे सिर्फ रिएक्शन देना था कमेंट्री देना था लेकिन इस बार प्रॉपरली मतलब कि तीन लोगों को इनवाइट करा और उनमें से मैं थी तो प्रॉपरली ना एक फोकस मेरे ऊपर भी था तो उसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस भी था गाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कोरियन नेशनल टीवी पर जो इंडियन कपड़े हैं बिंदी लगाकर झुमके पहनकर जो हमारे इंडिया को है ना वो मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा प्राउड तो करा होगा इंडिया को उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत सारे कोरियन लोग अपने घर में मुझे देखेंगे और इंडिया के बारे में भी वो थोड़ा बहुत जानेंगे ये रहा मेरा घर अभी मैं घर पर भी आ गई तो और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं एक चीज़ करने वाली हूँ जो कि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं की उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर आप गेस कर सकते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो को जरूर लाइक करना कमेंट करना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करना आई लव यू बाय